कांग्रेस ने 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने के मकसद से शुरू की जाने वाली आयुष्मान भारत योजना के लिए धन का पर्याप्त आवंटन नहीं होने का दावा किया है और नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया है कि क्या ये एक और जुमला बन चुका है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक अर्थशास्त्री के हवाले से प्रकाशित खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, क्या मोदी सरकार आयुष्मान भारत एक और जुमला बन गया है। एक जाने माने अर्थशास्त्री ऐसा सोचते हैं कि इसका कारण प्रति व्यक्ति 20 रुपए का बजट आवंटन है। उन्होंने दावा किया कि यहां तक कि भाजपा शासित राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी आयुष्मान भारत को लागू करने से इनकार कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा के नफे और नुकसान के खेल ने एक अच्छे विचार को नष्ट कर दिया।